हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317। चैप्टर है 13 एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स, जो कि क्लास 12th के लिए है। इस वीडियो में हम फुल चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नर के बारे में। According to the Constitution of India, there has to be a governor for each state. Constitution of India के according यहाँ पर एक हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, और if need be one person में appointed governor for even two or more states. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक या ज़्यादा states के लिए भी एक ही गवर्नर हो सकता है। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एवरी स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। ही शी मे एक्सरसाइज द सेम डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट्स टू हिम। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, द गवर्नर जो है वो एक स्टेट का होता है, और ज़रूरत पड़े तो वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। गवर्नर को पोस्ट किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो आर्टिकल है 152, जिसमें गवर्नर को पोस्ट दी जाती है गवर्नर की। आर्टिकल 155 में अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को किसी एक स्टेट के। किसके द्वारा कराया जाता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो इसका टेन्योर होता है कि कितने साल तक गवर्नर अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, वो होते हैं 5 ईयर्स। पर आपको ये ध्यान रखना है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पसंद पे ही, इच्छा पर ही गवर्नर की पोस्ट होती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को पहले ही हटा सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ अलग कोई केस आता है तब। और ये आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है उनके टेन्योर के बारे में। एक गवर्नर का की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 157 और 158 में लिखी गई है। जैसा कि सब में आपने खास तौर से देखा होगा कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष की हो, मतलब एज होगा क्राइटेरिया, और एक भारत का नागरिक होना तो ज़रूरी ही है। और इसमें गवर्नर की एज क्या होती है, गवर्नर बनने की 35 ईयर्स होती है, और वो किसी और प्रॉफिट के पोस्ट पर ना हो, यानी कि किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ना कहीं से प्रॉफिट ले रहा हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी शर्तें होती हैं गवर्नर की क्वालिफिकेशन में। और जहाँ गवर्नर रहते हैं उसको राजभवन कहा जाता है। ही शी एंटाइटल टू अ रेंट फ्री रेजिडेंस विच इज़ कॉल्ड राजभवन। इनको जो भवन दिया जाता है, राजभवन कहा जाता है उसको, वो रेंट फ्री होता है। और बहुत सारी चीज़ें अलाउंसेस मिलते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें गवर्नर को यहाँ पर दी जाती है। आर्टिकल 159 बताता है ओथ के बारे में, शपथ के बारे में, कि एक गवर्नर किससे शपथ लेते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, CJI के द्वारा गवर्नर अपनी शपथ लेते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जज होते हैं, अगर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। और अगर वो नहीं होते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट अवेलेबल होने चाहिए उनको शपथ देने के लिए। तो आर्टिकल 161 कहता है पावर ऑफ पार्डन, कि गवर्नर के पास क्या है शक्ति। तो आर्टिकल 161 के अंदर पावर ऑफ पार्डन है, क्षमादान की शक्ति है ये। इसके अंदर गवर्नर बहुत से केस में बहुत सी चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं। द गवर्नर प्रोसेस द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स रेस्पाइट्स ऑफ द रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट ऑफ कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन convicted by the court of any offense against any law relating to a matter. तो आपने इसमें जाना कि क्षमादान की
शक्ति के अंदर जो आर्टिकल 161 के अंदर है, गवर्नर किसी भी कैदी को क्षमादान कर सकता है जो भी उसको दंड दिया गया हो, और विज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड स्टेट लिस्ट, ये जो पावर आती है स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। साथ ही साथ 2021 के अंदर 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर पार्डन कर सकता है डेथ पेनल्टी को भी हु हैव सर्व 14 ईयर्स इन जेल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पहले नहीं होता था। सन 2021 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गवर्नर अब डेथ पेनल्टी को भी पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, अगर किसी कैदी ने 14 साल बिताए हों जेल के अंदर। और आर्टिकल 213, 213, 213 बताता है गवर्नर के ऑर्डिनेंस से संबंधित है, यानी कि हिंदी में कहते हैं अध्यादेश जारी करना, कि गवर्नर स्टेट के अंदर इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को अंडर 213 आर्टिकल के तहत, जिसके अंदर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होगी तब गवर्नर एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 333, एंग्लो इंडियन नॉट एलिजिबल। पहले एंग्लो इंडियन एलिजिबल होते थे पर अब एंग्लो इंडियन एलिजिबल नहीं है इलेक्शन में, यानी कि विधान सभा के अंदर, तो 333 में एंग्लो इंडियन नॉट एलिजिबल ये कैसे हटाया गया, 104 यानी 104th अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि जो पहले एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के अंदर जो चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, वो अब नहीं चुने जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 104th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ द सेसेशन ऑफ सीट ऑफ एस सी एस टी इन द लोकसभा स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80। इट रिमूव द रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो स्टेट असेंबलीज के अंदर आर्टिकल 333 हटवाता है एंग्लो इंडियन को, जो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है आर्टिकल 333 की, जिसके अंदर अब एंग्लो इंडियन एलिजिबल नहीं है, जो उनको सीट मिली हुई थी रिजर्व, अब वो नहीं मिली हुई है। फिर नेक्स्ट है द गवर्नर पावर पोजीशन एंड रोल। द गवर्नर पावर पोजीशन एंड रोल एग्जीक्यूटिव पावर्स में आप देखेंगे कि जो ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन द स्टेट आर कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होते हैं गवर्नर के नाम पर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को तो अपॉइंट करता ही है, साथ ही साथ एडवाइस करता है अपॉइंट करने के लिए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और अकॉर्डिंग टू वेल स्टैब्लिश कन्वेंशन में गवर्नर ये भी बताता है कि बोलते हैं या बताते हैं कि मेजॉरिटी पार्टी के अंदर के अगर किसी लीडर को वो चुन सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो नहीं बनती किसी की मेजॉरिटी पार्टी में कोई लाता नहीं है, मेजॉरिटी से वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तब अलायंस ऑफ पार्टीज यानी कि एक गठबंधन की सरकार भी यहाँ पर एक अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये सब गवर्नर बताते हैं। और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ये एलोकेट्स करते हैं पोर्टफोलियोज जो कि मिनिस्टर्स को बटते हैं, साथ ही साथ ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को और चेयरमैन को, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ही शी हैज द पावर टू अपॉइंट जज ऑफ द कोर्ट्स। इनके पास पावर है कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, अदर देन द हाई कोर्ट, यानी कि किसी भी कोर्ट्स के जजों को अपॉइंट करता है गवर्नर हाई कोर्ट के जज को छोड़कर, क्योंकि हमें पता है कि प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज को। वाइल डिस्चार्जिंग ऑल हिज हर फंक्शन एज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट, द गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट इज एडेड एंड एडवाइज बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलता है, वो मिला रहता है,
और चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो एडवाइस लेता है। तो ये था इसका एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें आया था गवर्नर समन्स से प्रोरोग कर सकता है स्टेट असेंबलीज को, और यानी कि बुला सकता है या उसको स्थगित कर सकता है, और वो रेकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर यानी कि विधानसभा को भी भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ही शी कैन एड्रेस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि दोनों ही सेशन के अंदर वो जॉइंट सेशन को बुला सकता है। ही शी नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ टोटल स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ द सेम एग्जाइटिंग इन द स्टेट। सच नॉमिनेटेड मेंबर्स आर दोज हु पोजेस स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, कॉरपोरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि 12 सदस्यों को, मेंबर को नॉमिनेट करता है, वहीं दूसरे और गवर्नर 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करता है नॉलेज के बेस पर इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, साइंस, कॉरपोरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस एट्सेट्रा। और किसी भी बिल को कि वे लॉ बन जाए तो गवर्नर की सहमति जरूरी होती है इसके अंदर। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश नहीं किया जा सकता, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि गवर्नर की परमिशन ना ले ली जाए। और जो एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट्स आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, वो असेंबली के अंदर किसके नाम पर होते हैं, वो भी गवर्नर के नाम पर होते हैं। एनुअल और सप्लीमेंट्री बजट इंट्रोड्यूस होते हैं असेंबली में गवर्नर के नाम पर। द गवर्नर हैज़ टू कंट्रोल ओवर द स्टेट कंटीजेंसी फंड, और इमरजेंसी फंड या कंटीजेंसी फंड भी के ऊपर भी कंट्रोल होता है गवर्नर का। फिर है पावर ऑफ पार्डन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि वो किसी भी प्रिजनर को क्षमा कर सकता है, पार्डन कर सकता है। बाद में एक 3 अगस्त 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जिस प्रिजन ने 14 इयर्स प्रिजन की सेंटेंस काटी है या जेल काटी है 14 साल तक, अब गवर्नर उसको मृत्यु दंड से बचा सकता है यानी कि डेथ पेनल्टी से उसको क्षमा कर सकता है। फिर आती है डिस्क्रिशनरी पावर्स। इसमें बोला गया है कि अगर गवर्नर को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि उसको लागू कर दें वो इमरजेंसी को हमारी कंट्री के अंदर या उस स्टेट के अंदर। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है यानी कि गवर्नर जो है वो एडवाइस नहीं लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ऐसा करने के लिए वो खुद के मतलब खुद सोचकर अगर उसे लगता है कि लगानी चाहिए इमरजेंसी या तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है। और अगर ये बात मान ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा जो गवर्नर ने बोला है, तो आर्टिकल 356 के द्वारा इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी। इसमें फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या तो डिसॉल्व कर दी जाती है या अंडर सस्पेंशन रख दी जाती है। नेक्स्ट है, इसी का पॉइंट है ये, अगर गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो वो उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रेसिडेंट को सौंप सकता है। इसको भी डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं।